यू आर वॉचिंग पूंछ लाइव। आज करीबी रिश्तेदार जिनके साथ सिलह रहने के ताल्लुक से हदीस मुबारक के अंदर बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम सिलह रहमी करो। अब सिलह रहमी नबी करीम अलैहि सलातो वसलाम की बारगाह में एक शख्स हाजिर होता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहक्कु बिहुस्नी सहाबा, मेरे हुस्ने सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम्हारी माँ तुम्हारे हुस्ने सुलूक की सबसे ज्यादा हकदार। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह मेरे हुस्ने सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए सुनो, तुम्हारे हुस्ने सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार तुम्हारी वालिदा है। इस तरह सहाबी रसूल ने तीन मरतबा इरशाद फरमाया, तीन मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारे हुस्ने सुलूक की सबसे ज्यादा हकदार तुम्हारी वालिदा है। चौथी मरतबा करते हैं, या रसूलल्लाह कौन है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे वालिद। आज माँ बाप बुजुर्ग माँ बाप अपने नौजवान बेटों की शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चों का हमारे बेटों का हमारे साथ रवैया अच्छा नहीं है। मुसलमानों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमाते हैं कि जो शख्स अपनी उम्र के अंदर बरकत चाहे और ये चाहे कि उसके रिस्क के अंदर बरकत हो, उसको चाहिए कि अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ सिलह रहमी फरमाए। और तुम्हारे जिसके वालदेन जिंदा हो वो अब जब उनके साथ शुभ करे और उसके वालदेन खुश हों, उस बेटे के ऊपर उसके लिए जन्नत के दोनों दरवाजे खुल जाते हैं। कहां घूम रहे हैं हम, किधर जा रहे हैं मुसलमानों? आज बहन नाराज है भाई से, चाचा नाराज है भतीजे से, दादी नाराज है पोते से, ये करीबी रिश्तेदार के अंदर के साथ जो सिला रहमी करने के लिए फरमाया गया है भाई ताइजिल कुर्बा, यानी तुम्हारे हकदार जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार, अगर तुम्हारे बरादरी के अंदर तुम्हारे हकदार जो है उस चीज के हकदार है किसके, यानी अगर वो गरीब है तो तुम्हारी पहले मदद करना तुम्हारा वाजिब है, उनकी मदद करो पहले। ये जो आम आदमी है उसके लिए है, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नवाजा है, वो 100 रुपए के हिसाब से 150 रुपए के हिसाब से अदा करेगा तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना अगर 75 रुपए के हिसाब से अदा करेगा तो अदा हो जाएगा। इसी तरह सदके फिदिया, जिन हजरात को ऐसी कोई लाहिक मुहलिक बीमारी लाहिक रोजा नहीं रख सकते हैं, उनके लिए भी है ये कि वो यानी 2 टेम के का मिस्किन को खाना खिलाना कम से कम वो 100 रुपए मतलब नॉर्मल बनते हैं, तो इस हिसाब से इतने उसके रोजे टूटे हुए हैं वो फिदिया अदा करें। लेकिन ये उन्हीं के लोगों के लिए है कि जिनको ये बाद में वो रोजा नहीं रख सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं आज जुमतुल विदा के मौके पर तमाम उम्मत मुस्लिमों को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि रमज़ानुल मुबारक अच्छे तरीके से गुजर गया और इंशाल्लाह कल ईद उल फितर भी मनाई जाएगी। मैं इस जुमतुल विदा और आने वाली कल ईद के मौके पर तमाम उम्मत मुस्लिमों को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह से दुआ करूँ अल्लाह तबारक ताला इस मुकद्दस दिनों को जुमतुल विदा और ईद के सदका में तमाम उम्मत मुस्लिमों के ऊपर एक अच्छे अच्छे दिन लाए, रहमतें और बरकतें अता फरमाए उसे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्लि व नसल्लम अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर अमंतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला का लाखों नहीं करोड़ों बार शुक्र एहसान है जिसने हम मुसलमानों को ये माह मुक़दस रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत और रहमतों वाला महीना अपनी ज़िंदगी में नसीब फरमाया। और खुश नसीब हैं वो मुसलमान जिन्होंने इस मुबारक महीने के रोज़े रखे, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला उन सब के रोज़ों को कबूल फरमाए। आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा जुमतुल विदा था। आज जामिया मस्जिद हैदरी के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में नमाजियों ने जुमतुल विदा अदा फरमाया। इस मुबारक दिन पर मैं तमाम उम्मते मुस्लिमा के लिए और अपने मुल्क के लिए सालमियत के लिए दुआएं की गईं और ख़ासकर मुसलमानों, ये मुक़दस महीना हमें ये दर्स देता है कि जिस तरह हम सहरी के टाइम खाते हैं, फिर इफ्तार के टाइम जो है अपना रोज़ा इफ्तार करते हैं, फिर खाना खाते हैं, तो दिन भर भूख प्यास बर्दाश्त करना, ये हमें इस चीज़ का दर्स देता है कि हम गरीबों का, नदारों का, बेसहारों का भी ख्याल रखें। और ख़ास करके रमज़ान मुबारक के जो मुक़दस ये अय्याम हैं, इसके गुज़रने के बाद मुसलमान जो है ईद उल फितर के दिन अपना रोज़ों का फितराना अदा फरमाते हैं, तो इसकी अदा करने की एक वजह यह भी है कि ताकि माशरे के वो गरीब लोग, बेसहारा लोग जो है अच्छे तरीके से अपना रोज़मर्रे के अय्याम गुजार नहीं सकते, ताकि वो भी मुसलमानों के साथ जो है अच्छे तरीके से ईद जो है अदा फरमा सकें, और अच्छे तरीके से वो भी अपने घर का जो है चूल्हा उनके घर भी जल जाए, और बेहतर तरीके से माशरे के अंदर वो भी जो है उन लोगों के साथ अच्छे तरीके से ईद मनाएं। इसलिए उन मुसलमानों को चाहिए कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी जो है ख़ास करके सदका फितर वगैरह सदकात से उनकी भी मदद फरमाएं। और इतना ही कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला ये आने वाला दिन हमारे हम सब के लिए, ख़ासकर पूरी उम्मते मुस्लिमा के लिए मुबारक और मसूद बनाए, और अल्लाह तबारक व तआला पूरे मुल्क के अंदर सालमियत को बरकरार रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।